हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हमारी होती है यहीं पे से। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अभी लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं, तो हमारी दौड़ अभी नीचे की तरफ हो रही है, मंदिर की तरफ। तो जैसे कि आप सभी ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, उसमें मैंने आपको बताया था कि गांव में जो रामलीला है वो शुरू हो चुकी है। तो आज रामलीला का लास्ट डे है, तो मैं भी नीचे मंदिर की तरफ जा रहा हूं। और मैंने आप लोगों को ये तो बताया नहीं कि रामलीला में मेरा भी पार्ट था और मैंने भी इस बार कुछ पार्ट खेला। वैसे तो मैं खेलता था लेकिन मैंने कुछ सालों से नहीं खेला था, मैंने इसी बार रोल किया है। तो मेरा रोल था हनुमान जी का। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि जिनको हम इतना मानते हैं उनका पार्ट हमें खेलने के लिए मिला, है ना। तो वीडियो तो मैं अपनी जो मेरे पार्ट का था वो मैं आपको डाल दूंगा, वो डेली डेली करके मैं डालता रहता हूँ, प्रथम दिवस द्वितीय दिवस। तो आप सभी लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी, तो ठीक है मैं ये भी डालता रहूँगा। तो आज मैंने व्लॉग बनाया है क्योंकि आज लास्ट डे है, तो मैंने बोला आज चलो व्लॉग बनाते हैं। तो जो जो पार्ट है वो कौन कौन खेल रहे हैं तो उनसे भी आपको मैं मिलाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं मंदिर की तरफ ही जा रहा हूँ, आधे रास्ते में हूँ। तो चलिए फिर मंदिर में पहुँचते हैं, उसके बाद पहले आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे, उसके बाद जो कुछ करेंगे आगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। दोस्तों हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और पीछे मेरी मंदिर है, तो मैंने दर्शन भी आपको करवा लिए हैं। तो मंदिर में आके एक अलग ही सुकून मिलता है, तो है ना। चले आप इसके बाद हम जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अब मुझको लग रहा है कि अब मैंने वीडियो की शुरुआत की है, तो बोलो महादेव की जय। तो दोस्तों यहाँ पर बन रहा है रावण जी का पुतला, तो जैसे ही रावण मरेगा उसके बाद इसको जलाया जाएगा। तो इस पुतले को बनाने के लिए यहाँ पे ढेर सारे लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये इसका सर है और इस पे ये घास घूस और पटाखे पुटाखे लगा रखे हैं, यहाँ पे लगाएंगे इसको खड़ा करके। और ये वहाँ पे रामलीला चल रही है, जैसे ही रावण मरेगा लास्ट में इसको भी जला देंगे। दोस्तों इनसे मिलिए, अपना नाम बताइए। मैं नाम श्योम रावत है। तो इनका इस बार सीता का पार्ट था यहाँ रामलीला में, तो ये काफ़ी टैलेंटेड बॉय है। जैसे इनकी वीडियो मैंने डाली थी अपने चैनल पे, तो इस बार इसने सीता का पार्ट खेला और बहुत अच्छा पार्ट खेला। मैंने जो वीडियो डाली होगी उसमें आपने देखा होगा सीता, तो सीता का रोल ये कर रहा है इस बार। तो ये है, अपना नाम बताइए प्लीज़। आयुष जदली। तो इनका नाम है आयुष जदली और इस बार जो सुग्रीव उग्रीव के पार्ट थे इस बार हमारे आयुष भाई ने खेले थे, तो इनका काफ़ी अच्छी किरदार था इस बार, तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो इनसे मिलिए, अपना नाम बताइए। सिद्धांत नहीं है मेरा नाम, और हमारा पार्ट था भरत का। तो इनका काफ़ी अच्छा पार्ट था इस बार भरत का। तो जैसे पार्ट मैंने भरत की एक पूरी वीडियो डाली थी, तो उनका देखा होगा आपने जो विलाप था, कितना मस्त वो खेल रहे थे। तो इनसे मिलिए, अपना नाम बताइए भाई। उपेंद्र सिंह असवा। तो ये काफ़ी, अभी इसकी उम्र काफ़ी छोटी है, कितना में पढ़ो तू? तो ये अभी 8 में पढ़ता है और इसका इस बार शत्रुघ्न का पार्ट था। तो जो छोटे छोटे कलाकार है उनका पार्ट इतना जबरदस्त था और ये काफ़ी क्यूट भी लग रहा था, तो इसने बहुत अच्छा पार्ट खेला इस बार, बहुत बढ़िया। तो अपना नाम बताए भाई जी। प्रीत। तो भाई का नाम है प्रीत ध्यानी और जो इस बार के पार्ट थे, जो छोटे छोटे पात्र थे, मतलब जो रहते नहीं है, तो हमारे प्रीत भाई खेलते हैं। तो इनमें ये कला है कि इसको कुछ भी पार्ट दे दो तो ये उसमें खेल लेता है, मतलब जो पार्ट है नहीं, उपलब्ध नहीं है, इसको दे दो वो पूरा खेल लेता है। कि 3-4 साल से लगातार रामलीला में पार्ट खेल रहा है, तो हमारे प्रीत ध्यानी बहुत बढ़िया यार। तो प्रीत भाई बहुत अच्छे कलाकार हैं यहाँ के। दोस्तों इनसे मिलिए, इनका नाम है गौरव बुढ़ाकोटी
और इनका इस बार लक्ष्मण का पार्ट है। तो ये लगातार दो या तीन साल से लगातार लक्ष्मण के पार्ट में है और इनका काफ़ी बोलते हैं ना ज़बरदस्त पार्ट इस बार ये खेल रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो इनका पार्ट एकदम ज़बरदस्त था, वीडियो में आप डाल ही रहा हूँ यूट्यूब में रामिलो के, इनकी भी मैंने डाली थी, तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से ये पार्ट खेल रहे हैं। तो इस बार हमारे गौरव भाई का था लक्ष्मण का पार्ट और बहुत बढ़िया मज़ा आया भाई। चलो इनकी आज की लीला भी आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों इनसे मिलिए, अपना नाम बताइए भाई जी। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम संजीव गुसाई है। तो दोस्तों भाई का नाम है संजीत गुसाई और भाई हमारे गांव से हैं। तो भाई को लगातार 3 साल हो गए हैं, तो ये 3 साल से कंटिन्यूस राम का पार्ट खेल रहे हैं और एकदम मस्त पार्ट खेल रहे हैं। तो इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है और एक्सपीरियंस होल्डर है, जिस प्रकार से इनके अपना गाना गाते हैं, भाषा बोलते हैं, तो काफ़ी बढ़िया आपने देख ही लिया होगा राम का पार्ट जो मैं वीडियो डाल रहा था। तो भाई जी बहुत बढ़िया मज़ा आया काफ़ी, थैंक यू भाई। तो ये है राम लक्ष्मण, मिला दिए आपको, अब मैं भी मेकअप करता हूँ, उसके बाद आगे की लीला आपको दिखाते हैं। तो रामलीला की जो ड्रेसिंग रूम है वो यहाँ है, तो यहाँ सारे रामलीला के सामान रखे रहते हैं, चाहे वो मुकुट हो या फिर माला उला हो, तो सारे इस रूम पे रहते हैं। तो दोस्तों मेकअप तो हो चुका है और अब कपड़े पहनने की बारी है, तो अभी हम कपड़े पहन रहे हैं, उसके बाद फ्रंट जो फर्स्ट सीन होगा वो हमारा ही है। तो मैं हनुमान बना हूँ, तो मैं राम और लक्ष्मण की पूजा कर लूँगा, तो फर्स्ट सीन वही है, तो इसके बाद डायरेक्ट वही सीन होने वाला है। तो इसलिए मैं फटाफट तैयार हो चुका हूँ, पूँछ मैंने लगा ली है और मुझे आज तैयार करने के लिए अभिषेक भाई, तो चले फिर तैयार होता हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे का सीन, ठीक है? दोस्तों फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, तो बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा हूँ। बस लिपस्टिक लगानी बाकी है, उसके बाद प्रॉपर रेडी हो जाएंगे। माइक भी लग चुका है, मुकुट भी पहन लिया है और बाकी जो वेशभूषा थी वो भी हमने पहन ली है। तो अब रामलीला शुरू होने वाली है, तो अगर मौका लगा तो शूट करूँगा, नहीं तो जब ख़त्म हो जाएगा सीन पूरा तो तब ठीक है, तब दिखाऊँगा बाकी, क्योंकि टाइम नहीं लगता ना फ़ोन पकड़ने का, टाइम ही मौका ही नहीं मिलेगा। तो अभी तक जितना था सब कुछ आपको मैंने बताया, तो मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? तो चलिए फिर आगे की लीला आपको दिखाएंगे, तो जय श्री राम। तो ये है रावण दरबार और ये अपनी सेना सजा रहा है राम जी और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए। Hey,
दोस्तों आज की लीला खत्म होने वाली है, तो अब राम का रास तिलक होगा, तो उसी की तैयारियां यहाँ पे चल रही है। और हमारे पीछे है सीता माता। कुछ कहना चाहोगे? इसकी हालत खराब हो चुकी है आज। और आ जाता हूँ, ये है हमारे वशिष्ठ जी, और इधर ये भरत, ये लक्ष्मण, और ये शत्रुघ्न, और ये कौशल्या, सुमित्रा, केकई। अरे हाँ, केकई। तो अब इसके बाद रास तिलक होगा, तो उसके सीन आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो ब्लॉग में मजा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों आज की लीला होती है यहीं पे समाप्त, और रामलीला का भी यहीं पे होता है समापन। तो ये रामलीला काफ़ी अच्छी हुई इस बार, जो 10 दिन तक लगातार रामलीला चल रही थी, तो आज उसका शुभ समापन हुआ है। काफ़ी मज़ा आया हमें 10 दिन तक रामलीला में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। तो कल फिर से जाना है मंदिर में, कल हवन वगैरह होगा, तो कल मंदिर में जाएंगे फिर से। तो कल लास्ट दिन रहेगा हमारे लिए, वैसे रामलीला का आज लास्ट दिन था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके टीम गुसाई से, और हमारा जो ये पहाड़ी कल्चर है वो सब देख सके, है ना। तो चले फिर मैं चलता हूँ, और मिलता हूँ फिर आपको नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए। तो चलिए फिर, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री राम, बाय।